हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में तो दोस्तों कैसे हो आप लोग सभी क्या हाल चाल है आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं तो भैया जोश कम थोड़ी हो गया दूसरी क्लास है ये पहली क्लास वाला ही जैसे जोश है ना और पूरे सत्तर दिन ऐसा ही जोश आप में होना चाहिए तो भैया सेलेक्शन आप लोगों से दूर नहीं जाने वाला बिल्कुल कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है डिसिप्लिन अनुशासन आप लोगों को मेंटेन रखना है मोटिवेशन हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों डिसिप्लिन रहना चाहिए क्योंकि मोटिवेशन तो क्या है एक दिन आपका पढ़ने का मन करेगा जब क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन बन रहे हैं मजा आ रहा है जिस दिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे दो चार तब आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा लेकिन जो डिसिप्लिन मेंटेन रखता है अनुशासन की भैया रोज क्लास लेनी ही लेनी है तो उस केस में भैया उसके पास नॉलेज आती रहेगी और आराम से आप लोगों का सिलेक्शन होगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं विटामिन का पार्ट नंबर टू और दोस्तों आप लोग जानते हैं वन पी वाली क्लास को आप लोग मिस मत करो आप लोगों के लिए जो एमसीक्यू बोलते ना सर एमसीक्यू कौन से करे तो एमसीक्यू के लिए डेली दो आप लोगों के लिए दो क्लास लगा रहा हूं वन पी और टू पी पे साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो सीधे सीधे एग्जाम में देखने मिलेंगे और दो बजे साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन हजारों बच्चों में आप लोगों को आपकी रैंक मिलती है और दोनों क्लासेज बिल्कुल फ्री है रैंक मिलेगी आप लोगों को ज्वाइन कैसे करना है के आप डाउनलोड कर लेना गोल सेलेक्ट कर लेना exams, है और जो भी क्लास आप लोग खोलोगे आपसे कोड पूछा जाता है नीरज इलेवन लगा के आप लोग इसको अनलॉक कर लीजिएगा ठीक है और हर लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरजीर पे मिल जाएगी स्टार्ट करे क्या स्टार्ट करे आ जाओ तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन चलो आ जाओ तो विटामिन कल हम लोगों ने कहां कहां तक पढ़ा था जल्दी से मुझे बताइए क्या क्या पढ़ चुके थे हम लोग आप लोगों को मैं रिवाइज करवा देता हूं क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया था देखो एक तो मैंने आप लोगों को बताया था विटामिन ए के बारे में सही बोल रहा हूं मैं मैंने आप लोगों को और किसके बारे में बताया था विटामिन के बारे में बताया था और किसके बारे में बताया था विटामिन ई e के बारे में बताया था इसके अलावा विटामिन डी के बारे में बताया था और क्या क्या डिस्कस कर रहे थे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी जो समूह है वो स्टार्ट कर चुके थे और उसमें मैंने आप लोगों को एक विटामिन पढ़ा चुका था विटामिन बी वन क्या मैं सही बोल रहा हूं तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विटामिन बी टू से जल्दी से बताइए इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम या फिर आप लोग केमिकल नेम भी बोल सकते हो इसका वैज्ञानिक नाम भी बोल सकते हो रासायनिक नाम भी बोल सकते हो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन क्या होता है राइबोफ्लेविन होता है

चले आगे आ जाओ अब बात आती है सर सोर्स बताइए सोर्स आप लोगों को कहां कहां से आप लोगों को विटामिन बी टू मिलेगा दोस्तों जितना भी मिल्क होता है ना मिल्क में आप लोगों का विटामिन बी टू काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथ में जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं दूध और दूध के उत्पाद जैसे भैया पनीर हो गई छाछ हो गई है ना जो भी ऐसी चीजें जो दूध से बनती है वहां पर आप लोगों को विटामिन बी टू मिल जाएगा कोई दिक्कत कोई परेशानी चले आगे आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पे कि सर विटामिन बी टू की मान लीजिए कमी हो गई डेफिशिएंसी हो गई तो इससे कौन कौन से रोग हमारे पास में हो सकते हैं तो पहला आप लोगों को मैं रोग बता रहा हूं इसमें जो आप लोगों की जो टंग देख रहे हैं जीभ तो जीभ में दोस्तों क्या हो जाएगा सूजन आ जाएगी है ना इसमें आप लोग देख पा रहे हो थोड़ा सा ये देखो अजीब सा है ना जैसे नॉर्मली जो जीभ होती है नॉर्मली जैसे टंग होती है वैसे दिख नहीं रही होगी आप लोगों को तो इस समस्या को क्या बोलते हैं इस समस्या को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोसिटिस क्या बोलते हैं Glossitis बोलते हैं याद रह जाएगा चलो आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर विटामिन बी टू की कमी हुई ना तो ये जो आप लोगों के मुंह होते हैं ना यहां पर दोस्तों लेफ्ट में और राइट में से छाले टाइप के कुछ पड़ जाते हैं ना क्या पड़ जाते हैं थोड़े से छाले टाइप के कुछ पड़ जाते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कैलियोसिस क्या बोलते हैं कैलियोसिस इसमें क्या होते हैं आपके जो होट होते हैं ना जो होट होता है इसमें ना थोड़े से छाले पड़ जाते हैं अल्सर टाइप के तो इससे जो समस्या होती है इस जो प्रॉब्लम होती है यह जो डिजीज होती है इसका नाम क्या है कैलियोसिस तो आप लोगों को अगर पूछा जाए विटामिन बी टू की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं तो दो रोग नाम रह जाएंगे दो रोग का नाम याद रह जाएगा एक तो कैलियोसिस कैलियोसिस में क्या होते हैं जो आपके होट होते हैं ना इसके यहां पर कुछ छाले जैसे हो जाते हैं कुछ है ना आप लोग बोल सकते हो अल्सर जैसे छोटे छोटे घाव जैसे हो जाते हैं और विटामिन बी टू की कमी से जो आपकी टंग होते ना टंग पे भी प्रभाव पड़ता है और इस वाली समस्या को बोलते हैं ग्लोसिटिस याद रह जाएगा जल्दी से बताइए अरे बताओ जल्दी से चलिए आगे चलिए चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन बी थ्री विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन बी थ्री का केमिकल होता, होता है नियासीन लेकिन एक नाम और याद रखेंगे इसको हम लोग निकोटेनिक एसिड भी बोलते हैं कभी आप लोगों से पूछा जाए निकोटेनिक एसिड या निकोटेनिक एसिड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अम्ल है ना तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि निकोटेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है तो आप लोग को सोचो यार ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने नियासिन पढ़ा है मैंने राइबो फ्लेविन है लेकिन ध्यान रखेंगे नियासिन का ही दूसरा नाम क्या है निकोटेनिक अम्ल है बात क्लियर है अब बात आती है कि सर विटामिन बी थ्री का काम क्या होता है और इसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बताइए देखो दोस्तों आप लोग जो भी भोजन लेते हो उसमें कुछ कुछ भोजन में प्रोटीन होता है क्या और ऑलमोस्ट सभी तो भोजन में प्रोटीन होता है किसी में कम होता है किसी में ज्यादा होता है क्लियर है क्या तो जो भी आप लोग भोजन करते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है उसमें प्रोटीन भी होता है उसमें फैट भी होता है यानी वसा भी होता है मान लीजिए दोस्तों आप लोगों ने कोई भोजन करा जिसमें क्या था प्रोटीन था क्लियर है क्या अब होता क्या है जैसे आप लोगों को मैं बताऊं प्रोटीन क्या होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है काफी जटिल होता है तो जब आप लोग खाओगे ना तो इस प्रोटीन का क्या होगा पाचन होगा प्रोटीन के पाचन होने का मतलब क्या है प्रोटीन बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा छोटे छोटे कणों में टूटेगा क्लियर है क्या तो अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रोटीन का जब पाचन होता है आपको क्या मिलता है तो प्रोटीन के पाचन से आप लोगों को मिलता है अमीनो अम्ल और इंग्लिश में इसको बोलेंगे अमीनो एसिड समझ गए बात को अगर आप लोगों से पूछा जाए कितने अमीनो अम्ल यानी कितने एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो ट्वेंटी अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो दोस्तों इस बीस अमीनो अम्ल के अलग अलग नाम होंगे उसी में से एक अमीनो अम्ल ऐसा है एक एमिनो एसिड ऐसा है जिसका नाम क्या है अरे जिसका नाम क्या है जिसका नाम है ट्रिप्टोफेन याद रह जाएगा क्या याद रह जाएगा क्या तो बेसिकली जब आप लोग ये भोजन लेते हो जब इसका पाचन होगा तो आप लोगों को ट्रिप्टोफेन मिलेगा क्या है कुछ भी नहीं है एक अमीनो अम्ल है अमीनो अम्ल क्या होता है जब भी प्रोटीन का पाचन होता है आपको बहुत सारे अमीनो कन्वर्ट हो जाता है जल्दी से बताइए विटामिन बी थ्री में कन्वर्ट हो जाता है यानी कुल मिला के ऐसा भोजन जहां पर आप लोगों को अमीनो एसिड मिलेगा वो मतलब वो आपका विटामिन बी थ्री का भी तो अच्छा सोर्स हो जाएगा अरे समझ गए क्या समझ गए बात को ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं तो सोर्स बताइए ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन मिलेगा क्योंकि आपको पता है प्रोटीन का जब पाचन होगा आपको अमीनो अम्ल मिलेंगे अमीनो एसिड मिलेंगे और उन्हीं में से एक अमीनो एसिड ऐसा है जो विटामिन बी3 में कन्वर्ट हो जाता है तो आप लोग ऐसा भोजन करिए जिसमें आप लोगों को प्रोटीन की मात्रा ज्यादा मिले जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों अंडे एग है ना जो डेरी के उत्पाद होते हैं फिश हो गई नट बीज फलियां एवोकाडो ये एवोकाडो क्या होता है दोस्तों एक फल होता है ये ना ये एक फल होता है ये एक फल होता है नाशपति के जैसा दिखता है नाशपति के जैसा दिखता है ये क्लियर है चले आगे है? चलिए राधे कर्ण जी बोल रहे हैं राधे कर्ण जी नाम है इनका ये बोल रहे हैं सर विटामिन एच क्या होता है 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 तो भैया जब विटामिन बी सेवन आएगा ना तो मैं पढ़ाऊंगा कि इसको विटामिन एच बोलते हैं तो उन बच्चों को समझ में आ जाएगा लेकिन आपके साथ में प्रॉब्लम क्या रहेगी आपको तब भी समझ में नहीं आएगा यार मैं इधर पढ़ा रहा हूं विटामिन वी वन बी टूर ध्यान दो न, कमेंट में से एच होता है जिसको विटामिन एच बोलते हैं तो जब वो टॉपिक आएगा तब मैं लिखवाऊंगा वहां पर कि इसको विटामिन एच बोलते हैं तो एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा इधर ध्यान तो उठना ये निकल जाएगा विटामिन एच के चक्कर में ठीक है अरे समझे या नहीं समझे भैया चलो आगे अब बात आती है कि सर इनसे कमी से होने वाले रोग बताइए ये क्या सर आपने चार फोटो लगा दी पता ही नहीं पड़ रहा कौन सा रोग कौन सा है इसका मतलब क्या है ये तो भैया क्या है चलो आ जाओ एक एक के बारे में समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी थ्री से होने वाले डिजीज की तो भैया पहली डिजीज का नाम आप लोगों को नाम याद रखना है पैलागरा बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पैलागरा कौन से विटामिन की कमी से होता है विटामिन बी थ्री की कमी से अब इस डिजीज में अब इस बीमारी में होता क्या है जो आपकी स्किन होती है ना आपकी त्वचा होती है देख रहे हो इस पर ऐसे है ना छाले वो ऐसे खालसी आ जाती है ना इस इसपे थोड़ा सा इंफेक्शन हो जाता है देखो इससे कुछ खालसिया पड़ जाए देख रहे हो आप लोग देखो पपड़ियों से देख रहे हो तो ये क्या है पैलागरा डिजीज के सिम्टम्स नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर ये क्या है ये तो ऐसा लग रहा है कोई बच्चे की पैंट नीचे हो गई है तो सर इस विटामिन बी थ्री बी थ्री की कमी होने से ऐसा होता है कि पतले हो जाते हैं पेंट नीचे हो जाती है अरे नहीं है भैया ये बेसिकली क्या है डायरिया है डायरिया का मतलब दस्त क्लियर है नेक्स्ट बात आती है सर इसमें क्या हो गया तो इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस बेसिकली क्या है एक स्किन का रोग है एक त्वचा का रोग है देखो आप किसमें स्किन लाल लाल से पड़ जाती है अरे समझ गए क्या और सर अगर पूछा जाए चौथी ये कौन चीज है ये है दोस्तों डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी तो उसको याद कैसे करें सर डायरिया डर्मेटाइटिस डेमेंशिया इसको याद कैसे करें विटामिन बी थ्री की कमी से इतने रोग होते हैं तो आप लोगों को यह याद रह जाएगा कि थ्री अरे भैया बहुत आप लोगों ने मूवी देखी होगी थ्री में देखी होगी अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया आप लोगों के एच पता नहीं अच्छा थ्री नहीं होता था वो एच होता था सॉरी अच्छा थ्री की तो कुछ इमेज होती है ठीक है थ्री डी इमेज जो होती है तो ध्यान रखेंगे थ्री से याद रखेंगे आप लोग थ्री से याद रह जाएगा क्या अरे थ्री से याद रह जाएगा क्या एक डी का मतलब है डायरिया दूसरे डी का मतलब है डरमेटाइटिस और तीसरे डी का मतलब है डिमेंशिया अरे बात समझ गए क्या और चौथा आप लोगों को ध्यान रखना है पैलाग्रा रोग भी विटामिन बी थ्री की कमी से होता है जल्दी से बताओ भैया समझ में आ गया तो थम्सअप कर दो समझ गए बात को दोस्तों समझ गए आ जाओ नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं विटामिन बी फाइव भैया विटामिन बी फाइव का केमिकल नेम बताइए जल्दी पेंटोथेनिक एसिड होता है क्या होता है पैंटोथेनिक एसिड होता है चलिए भैया अब समझते हैं विटामिन बी फाइव के बारे में क्या है दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है हमारी जो ब्लड होता है ना जैसे मान लो इस ट्यूब में ब्लड फ्लो कर रहा है हमारे ब्लड में क्या होती है कुछ कोशिकाएं होती है जैसे आरबीसी लाल रक्त कोशिका डब्लू यानी श्वेत रक्त कोशिका प्लेटलेट्स जिसको हिंदी में हम लोग बिंबाणु बोलते हैं तो उसमें से दोस्तों जो आरबीसी होती ना रेड ब्लड सेल उसके निर्माण में मदद करता है कौन विटामिन बी फाइव क्लियर है क्या दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर मिलेगा कहां से मुझे ये बताओ भैया ब्रोकली खा लो गोभी खा लो क्लियर है शकरकंद आप लोग जानते हो ना स्वीट पोटेटो आप लोग स्वीट पोटेटो खा लो और जो साबुत अनाज खाइए ये आप लोगों के विटामिन बी के सोर्स हो जाएंगे अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसकी कमी से होने वाले रोग बताइए अगर मैं विटामिन बी फाइव नहीं खाऊंगा तो मेरी बॉडी में कौन कौन से रोग हो जाएंगे चलिए सबसे पहले बात आती है दोस्तों इसमें आपकी पैरों में क्या होती है जलन होती है जैसे आप लोग देखना बहुत से जने बोलते हैं यार ऐसा लगता है कि यार मेरे कि मैंने किसी है ना गर्म चीज पे पैर रख दिया है पैरों में क्या होती है थोड़ी जलन सी होती है तो ये जो पैरों में जलन हो रही है ना इसको हम लोग बोलते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम ये जो आप लोगों की डिजीज है ये किसकी वजह से होती है विटामिन बी फाइव की कमी से होती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस क्लियर क्या है है ये भी स्किन की बीमारी जो पहले वाला बताया तो उसकी वजह से भी आप लोग हो रहा था इसकी वजह से भी आप लोगों को डर्मेटाइटिस मतलब विटामिन बी आप का स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है त्वचा के लिए क्लियर अगर इनकी कमी हुई तो त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे एक तो विटामिन बी आपकी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है क्लियर है क्या और एक आप लोग का विटामिन बी आरबीसी के निर्माण के लिए है ना आपके रक्त में जो आरबीसी होती है ना लाल रक्त कोशिका इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चलो आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन बी सिक्स की सर विटामिन बी सिक्स क्या करता है तो आइए पहले तो इसका साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम ध्यान रखिए इसका केमिकल नेम हो जाएगा पायरेडोक्सेन याद रह जाएगा चलिए अब भैया विटामिन सी का आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है यानी बात कर रहा हूं मैं गर्भावस्था की बात कर रहा हूं मैं क्लियर है क्या तो भैया जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उनके अंदर जो एम्ब्रियो होता है जो ब्रून होता है ना उसके मस्तिष्क के विकास के लिए ये विटामिन बी सिक्स बहुत बहुत जरूरी होता है क्योंकि ब्रून में भैया धीरे धीरे सारे ऑर्गन से डेवलप हो रहे होंगे उसका लीवर भी बन रहा होगा अंदर पेट के अंदर है ना बच्चे का है ना उसका मस्तिष्क भी डेवलप हो रहा होगा तो उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ये वाला विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो अगर बात करें सर विटामिन बी का क्या सोर्स हो जाएंगे मछली हो जाएंगे ठीक है जो भी आप लोगों के मतलब ये नॉन वेजिटेरियन वाले के लिए जो मांस हो जाएगा ठीक है ना मीट जो हो जाएगा आलू और अन्य स्टार्च वाली सब्जियां अब आप लोग बोलेंगे सर ये स्टार्च क्या होता है दोस्तों स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है तो जिन वाली सब्जियों में ये वाला कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उन वाली सब्जियों में आप लोगों को विटामिन बी भी मिल जाएगा क्लियर है चले आगे अब बात आती है सर इनकी कमी से होने वाले रोग कौन से अरे लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा टेंशन मत लेना लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा टेंशन मत लेना आप लोग समझ गए बात को चलो आ जाओ तो इसकी कमी से भैया एक तो डिप्रेशन आ सकता है आप लोगों को डिप्रेशन का मतलब क्या है मानसिक अवसाद यार आप लोगों का ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा ना आप लोग आपका थॉट प्रोसेस आपने सोचने समझने की क्षमता एक पॉजिटिव नहीं रह पाएगी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनीमिया एनीमिया क्या होता है एनीमिया कुछ भी नहीं होता आपके ब्लड में जो आरबीसी होती है ना अरे आपके ब्लड में जो आरबीसी होती है ना लाल रक्त कोशिका अगर इनकी संख्या कम हो जाती है ना इसी को हम लोग बोलते हैं एनीमिया मैंने अभी बताया था ना विटामिन बी आपके आरबीसी के लिए बहुत जरूरी है तो अगर आपके ब्लड में आपके रक्त में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं क्लियर है क्या चले आगे अरे समझे ये नहीं समझे बात को बताओ चलिए आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन बी सेवन लो भैया कौन थे विटामिन एच वाले विटामिन एच किसको बोलता बोलते हैं विटामिन एच विटामिन एच विटामिन एच ये आ गया विटामिन बी सेवन को ही हम लोग क्या बोलते हैं विटामिन एच बोलते हैं इसी को हम लोग विटामिन एच के नाम से जानते हैं अब भैया क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे कि इसको विटामिन एच क्यों बोलते हैं आपने रट तो लिया विटामिन बी सेवन को और किस नाम से जाना जाता है विटामिन एच के नाम से जाना जाता है बट क्वेश्चन यह है क्यों बोला जाता है कौन बताएगा इसका आंसर जब तक मैं आपको केमिकल नेम बता देता हूं विटामिन बी सेवन का केमिकल नेम होता है बायोटीन जल्दी से बताइए कौन बताएगा इसको विटामिन एच क्यों बोलते हैं देखो एक्चुअली क्या होता है इसको विटामिन एच क्यों बोलते हैं जर्मन दो वर्ड होते हैं हार एंड हॉट ठीक है एक तो हार एंड हॉट ये क्या है दोस्तों दो वर्ड है जर्मन वर्ड है दो कैसे वर्ड है ये जर्मन वर्ड है जर्मन शब्द है दोस्तों इस हार का मतलब होता है हेयर हेयर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बार बाल और ये जो हॉट जर्मन वर्ड है इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों क्या स्किन यानी त्वचा अरे समझ गए क्या तो ये वाला जो विटामिन होता है विटामिन बी सेवन आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है इसीलिए हम लोग इसको विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है तो आप लोग बोलेंगे विटामिन बी सेवन की कमी से होता है बात क्लियर है क्या अरे क्लियर है नहीं है जल्दी से बताओ तो सर सोर्स बताइए इसके भैया अखरोट खाओ जिनके बाल झड़ते हैं ना अखरोट खाओ मूंगफली अनाज और आप लोग का क्या हो जाएगा एग, यौक. एग यौक क्या होता है अंडे के तो क्या हो जाएंगे दोस्तों यार, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि क्यों मैंने आपको बताया अभी भी विटामिन बी सेवन बहुत जरूरी है बालों के लिए तो अगर विटामिन बी सेवन की कमी होगी तो भैया बाल नहीं होंगे बाल आप लोगों के झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है झुंझुनी जुन है ना किसी को काफी कपकपी होती है ना झुंझुनी जुन सी लगती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैराथे तो झुंझुनी जुन ये भी क्या है एक सिम्टम है किसका विटामिन बी फाइव की कमी का अरे समझ गए क्या जल्दी से बताओ अभी लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत सारे चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी नाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसका केमिकल नेम इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया था अगर आप लोगों से पूछा जाए विटामिन बी नाइन का केमिकल नेम क्या है क्या आंसर होगा फॉलिक एसिड होगा क्या होगा फॉलिक एसिड होगा इसका क्या कोई दूसरा नाम है क्या बिल्कुल इसी को हम लोग फॉलेट के नाम से भी जानते हैं और जैसे विटामिन बी सेवन को आप लोगों ने विटामिन एच बोला वैसे क्या विटामिन बी नाइन को कुछ और बोलते हैं कि बिल्कुल इसको हम लोग विटामिन के नाम से भी जानते हैं ये तीनों नाम याद रख लेना तीनों आते हैं बस केवल ये ध्यान रखिए चल जाना फॉलिक एसिड अगर आप लोगों से पूछा जाए इस विटामिन में कौन सा मेटल पाया जाता है आप लोगों से पूछा जाता है विटामिन बी नाइन में कौन सा मेटल पाया जाता है तो आप लोगों का आंसर क्या होगा आयरन पाया जाता है इसमें क्लियर है क्या और आपको मैं एक चीज बताऊं आपका जो ब्लड होता है ना ब्लड ब्लड के अंदर आरबीसी होती है क्या अरे आपके ब्लड में आरबीसी होके लाल रक्त कोशिका तो आरबीसी के अंदर भी क्या पाया जाता है आयरन पाया जाता है तो कुल मिला अगर आप लोगों को बॉडी में आरबीसी का निर्माण करना है तो उसके लिए आयरन चाहिए होगा क्या और अगर आप लोग विटामिन बी नाइन ले रहे हो तो आपकी बॉडी में आयरन भी आ रहा है क्या बताओ तो कुल मिला के अगर आपके बॉडी में विटामिन बी नाइन की कमी होगी तो इस वाली कंडीशन में भी आरबीसी नहीं बनेगी और ये भी क्या है एनीमिया है आरबीसी की कमी को ही हम लोग एनीमिया बोलते हैं तो विटामिन बी नाइन की कमी से भी क्या होगा एनीमिया होगा मैंने बताया ना विटामिन बी बहुत जरूरी है आप लोगों का आरबीसी के लिए चलिए तो और इसका क्या कर और इसका विटामिन बी नाइन का क्या काम है दोस्तों तंत्रिका विकास के लिए भ्रूण के जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना उनके अंदर जो बच्चा होता है उसके तंत्रिका विकास के लिए या नर्वस सिस्टम अब नर्वस सिस्टम क्या होता है तंत्रिका तंत्र क्या होता है समझो बात को दोस्तों हमारी बॉडी में कई सिस्टम्स होते हैं कई तंत्र होते हैं जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र एक्सक्रिएटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र हर सिस्टम का एक अलग अलग कार्य होता है वैसे ही नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन यानी अलग अलग अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना और सॉरी <repente> <primo sound> और इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आपका ब्रेन है ना तो कुल मिला आप लोग बोल सकते हो ये भी ब्रेन के यानी जो ब्रून होगा ना उसके मस्तिष्क के विकास में मदद करेगा ठीक है बात आती है सर इसके सोर्स बताइए तो हरी पत्तेदार आप लोग सब्जियां खाओ आप लोग का जो एग यॉक होता है ना उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा और जो सी फूड होता है समुद्री जो भोजन होता है ठीक है सी साइड जो फूड होता है ना उसमें आप लोगों को यह मिल जाएगा अब बात आती है सर इसके कमी से होने वाला रोग तो आप मुझे बताओगे एक तो बताओ क्या अरे अभी अभी बताया ना मैंने एनीमिया क्योंकि यार आरबीसी जो होता है ना आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और विटामिन बी नाइन में क्या आयरन है क्या बिल्कुल विटामिन बी नाइन में आयरन है समझ गए बात को तो आ जाएंगे इससे क्या होती है भैया एनीमिया डिजीज होती है अब एनीमिया के दोस्तों अलग अलग प्रकार होते हैं तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इससे कौन सी एनीमिया होती है तो आप लोग बोलेंगे मेगास्टिक एनीमिया आप सर इस वाले एनीमिया में क्या चक्कर है इसमें आरबीसी कम की जगह बढ़ जाती है क्या नहीं भैया जितने भी आप लोगों के एनीमिया होंगे उन सभी में आरबीसी की संख्या क्या होगी अरे सभी में आरबीसी की संख्या क्या होगी जल्दी से मुझे बताओ कम होगी लेकिन इस वाले एनीमिया में क्या होगी इसमें भी आरबीसी की संख्या कम होगी लेकिन आरबीसी का जो साइज है ना जैसे मान लो पहले 100 थी अब मान लो बीस रह गए लेकिन उनका साइज क्या हो जाता है बढ़ जाता है यहां पर आरबीसी का साइज जो हो जाता है क्या हो जाता है बढ़ जाता है क्लियर है क्या जैसे नॉर्मल जो आरबीसी का साइज है वो इतना होना चाहिए लेकिन जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है उसमें देखो आरबीसी का साइज बढ़ गया संख्या तो कम होगी लेकिन साइज क्या हो जाता है बढ़ जाता है समझ गए बात को चले आगे आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन बी ट्वेल्व की जिसका केमिकल नेम होता है कोवेलिमिन या फिर आप लोग इसको साइनो कोबेलेमिन भी बोल सकते हो है ना कई बार आप लोगों को ऑप्शन में साइनो नहीं लिखा होता केवल कोबेलेमिन लिखा होता है कई बार आप लोगों का पूरा जाएगा ध्यान रखेंगे अगर आप लोगों से पूछा जाए विटामिन बी ट्वेल्व में कौन सा मेटल पाया जाता है जैसे अभी आप लोगों ने बताया विटामिन बी नाइन में आयरन पाया जाता है वैसे ही विटामिन बी ट्वेल्व में कौन सा मेटल पाया जाता है ध्यान रखेंगे कोबाल्ट पाया जाता है क्या पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है ठीक है लिख दिया है मैंने कंटेन कोबाल्ट अगर बात करें सर विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में कुछ और चीजें भी बताइए देखो इधर ध्यान समझो देखो आप लोग जो भी भोजन रखते हो सबसे पहले कहां पर रखते हो माउथ में रखते हो मुंह में रखते हो इसके बाद यह भोजन क्या होता है एक नली होती है जिसको बोलते हैं ग्रास नली यानी फूड पाइप इसके माध्यम से कहां पर आ जाता है आपके स्टमक में आ जाता है आपके पेट में आ जाता है पेट से दोस्तों तो ये खाना कहां पर जाता है इस छोटी में जाता है यहां पर ना इस छोटी में फिर छोटी से ये भोजन कहां पर जाता है इस इस बड़ी बड़ी में 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 जाता है इस बड़ी में। तो, तो दोस्तों कई बार हमारी बॉडी कुछ बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं क्लियर और उन्हीं में से एक बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई सर ये बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो कहां पर मिलेगा इस लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेगा इस बड़ी में मिलेगा और दोस्तों ये जो बैक्टीरिया होता है ना ये विटामिन के और विटामिन बी में के निर्माण में मदद करता है क्लियर है क्या तो ध्यान रखेंगे विटामिन बी ट्वेल्व आप लोगों की आतो में भी बनता है इसको हम लोग एंटी एनीमिया विटामिन भी बोलते हैं क्यों बोल रहे हैं क्योंकि अगर विटामिन बी की कमी हो गई तो आप लोगों को परनीसियस एनीमिया डिजीज हो जाएगी अब ये पर्निसियस एनीमिया क्या है ये भी एनीमिया का एक प्रकार है इसमें क्या आरबीसी बढ़ जाएगी क्या अरे नहीं जितने भी एनीमिया होते हैं उन सभी में आरबीसी की संख्या कम ही होती है क्लियर है क्या आ जाओ मैं आप लोग को बताता हूं और सुनो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला देखो ये वाला ये वाला ऑल्सो प्रेजेंट इन रेन वाटर अगर आप लोगों से पूछा जाए बारिश के पानी में वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो याद रह जाएगा क्या विटामिन बी ट्वेल्व

या इसका दूसरा नाम क्या है स्क्लेरेट फीवर भी इसको हम लोग बोलते हैं तो ये आप लोगों को मैंने बताया विटामिन बी ट्वेल्व का दोस्तों विटामिन आप लोगों का कंप्लीट हो गया एक विटामिन अपना बचा है विटामिन सी तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और इसके बाद में रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे गए थे विटामिन से वो करवा दूं चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे वो आप लोगों का आर आरबी जेई के, के क्वेश्चन हो चाहे वो ग्रुप डी के हो विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैं इसके बाद में जस्ट बाद में वो करवा दूंगा जिससे आपको पता पड़ जाए कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो सफिशियंट है या नहीं है ठीक है दोस्तों अरे बताओ जल्दी से आ जाओ तो बात करते हैं विटामिन सी भैया केमिकल नेम आप लोग सभी जानते हो एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल सर ये मिलेगा कहां पर जो खट्टे फल होते हैं ना आप लोगों को उसमें खूब मिल जाएगा विटामिन सी जैसे भैया अंगूर आप लोग खा लो आप लोग है ना नारंगी खा लो उनमें आप लोगों को विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलेगा अगर विटामिन सी की कमी होती है तो क्या होता है दोस्तों आप लोगों के जो मसूड़े होते हैं ना मसूड़े इसमें क्या हो जाती है सूजन आ जाती है इसमें इसकी इसमें स्वेलिंग आ जाती है इनसे क्या निकलता है इनमें ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है इनमें खून वगैरह निकलता है और इसी बीमारी को इसी समस्या को हम लोग बोलते हैं स्कर्वी रोग यानी इस डिजिट क्लियर है क्या तो आ जाइए इस विटामिन सी के क्या क्या काम है एक एक करके डिस्कस करता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये घाव भरने में मदद करता है ये विटामिन सी कुछ मान लीजिए आपके चोट वगैरह लग गई कुछ घाव हो गया है ना तो अगर बात करें कौन एक तो प्रोटीन तो मदद करता ही है और साथ में कौन सा विटामिन करता है तो विटामिन सी आप लोगों का घाव भरने में मदद करता है दोस्तों ये हीट सेंसिटिव विटामिन है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि पकाने पे नष्ट हो जाता है मतलब अगर आप लोग ये खा जैसे मान लीजिए अंगूर है अंगूर में क्या है विटामिन सी है अगर आप लोग अंगूर को गर्म कर रहे हो ना तो इसका जो विटामिन सी है ना वो खत्म हो जाएगा ये हीट सेंसिटिव विटामिन है ज्यादा हीट झेल नहीं सकता ये अगर गर्म करोगे ना किसी फूड में मान लो विटामिन सी है उसको आपने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया तो उस विटामिन सी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा क्लियर है क्या इसके सोर्स क्या है दोस्तों जितने भी आप लोगों के खट्टे फल है जैसे टमाटर आप लोग खा लो है ना देखो खट्टे फल मैंने आप लोग को बता दिया टमाटर खा लो या टमाटर का जूस पी लो आलू भी भैया क्या है आलू में भी विटामिन सी पाया जाता है ठीक है इसकी कमी से भैया इसकर्वी डिजीज होती है सर स्कर्वी डिजीज में क्या होती है जो हमारे मसूडे होते हैं ना हमारे जो गम्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग होती है उनमें क्या होती है स्वेलिंग होती है और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या होती है आप लोगों के ब्लीडिंग होती है ना खून वगैरह आते हैं तो ये आप लोगों का दोस्तों कंप्लीट विटामिन हो गया अब इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक वो मैं करवा दूं और आप लोग देखेंगे क्वेश्चन बन रहे है या नहीं बन रहे चलो जल्दी से बताओ एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन जल्दी से बताओ <coughs> अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है भैया रिकेट्स में क्या होता है आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है हड्डियां कमजोर क्यों होती है क्योंकि हड्डियों के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है और आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम चलो मान लो आप खा भी रहे हो लेकिन अगर वो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा तो क्या वो हड्डियों तक पहुंचेगा क्या नहीं पहुंचेगा आपकी हड्डियां वीक हो जाएगी और इसी बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स तो ऐसा कौन सा विटामिन खाऊं जिससे कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो विटामिन डी खाओ भैया तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन डी ऑप्शन नंबर बी गलती से इधर डी मत लगा देना आप करोगे ऐसे एग्जामिनर करेगा ऐसे पहले पढ़ लेना विटामिन डी कौन से वाले ऑप्शन में कई बार गलती से हम लोग ऐसे भी टिक कर देते हैं ठीक है आ जाओ जल्दी से बताओ कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है अभी अभी मैंने बताया विटामिन डी आप लोग खाओगे तो भैया इससे जो भी कैल्शियम आप लोग खा रहे आपकी हो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा अवशोषित होगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चले आगे चलिए बताइए विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या है आप लोगों को चार ऑप्शन दिए हुए स्ट्रॉबेरी खाने से विटामिन ए मिलेगा आलू खाने से मिलेगा गाजर खाने से मिलेगा पत्ता गोभी खाने से मिलेगा जल्दी से बताओ तो भैया आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने बताया था कि ऐसे जितने भी फल जिनमें आप लोगों को बीटा कैरोटीन मिल रहा है ऐसे जितने भी फल या सब्जियां जिसमें आप लोगों को बीटा कैरोटीन मिल रहा है वो खाओ इससे क्या होगा सर आपके दोस्तों लीवर में ये बीटा कैरोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन ए e में कन्वर्ट हो जाएगा सर ये बीटा कैरोटीन क्या होता है एक पिगमेंट होता है एक वर्णक होता है ये पिगमेंट क्या होता है ऐसे आप लोगों के पदार्थ जो कि रंग प्रदान करते हैं जैसे पौधों का हरा रंग किसकी वजह से होता है क्लोरोफिल की वजह से होता है टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है वैसे ही दोस्तों इसकी वजह से कौन सा रंग मिलता है रेड ऑरेंज रंग मिलता है लाल नारंगी रंग मिलता है तो ये ये पिगमेंट किस में पाया जाता है पपीता में मिल जाएगा आप लोगों को दोस्तों गाजर में मिल जाएगा आम में मिल जाएगा तो बताओ अगर गाजर में बीटा कैरोटीन है तो जैसे ही आप लोग गाजर खाओगे तो बीटा कैरोटीन आपकी बॉडी में आएगा क्या और लीवर में बीटा कैरोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में तो भैया गाजर एक अच्छा सोर्स हो गया ना ऑप्शन नंबर बी इसके अलावा कौन कौन से भैया पपीता गाजर आम एग अंडा और एक चीज और मैंने बताया था एग का जो योक होता है ना एग का यौक अंदर वाला जो पीला वाला था ना उसमें पाया जाता है विटामिन ए e। और मैंने एक चीज और बताया था एग के योक में केवल विटामिन ए नहीं ये पूरा का पूरा कीड़ा मिल जाएगा विटामिन के विटामिन e, विटामिन डी विटामिन ए e. बताया था क्या मैंने बताओ और इसका कारण क्या है क्योंकि सर एग का जो योक होता है ना अंदर जो येल्लो वाला होता है ना वो फैट होता है उसमें काफी मात्रा में वसा होता है तो जितने भी ऐसे विटामिन जो वसा में घुल सकते हैं कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन के विटामिन ई विटामिन डी विटामिन ए चारों आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर बताओ जल्दी से बताओ किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है बताओ अभी अभी मैंने <coughs> सॉरी अभी भी मैंने बताया इस करवी रोग में क्या होता है जो आपके मसूड़े होते हैं ना इसमें ब्लीडिंग होती है इसमें क्या होता है दोस्तों ब्लीडिंग होती है इसमें सूजन आ जाती है किसकी कमी से विटामिन सी की कमी से होता है तो गलती से आप लोग ऐसे मत कर देना एग्जामिनर ऐसे कर देगा तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना विशेष ध्यान रखना इसका हम लोग आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो विटामिन सी किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चलिए बताइए ये आरआरबी आर बी दो हजार उन्नीस का क्वेश्चन है कौन सा विटामिन है जो वसा में मिले नहीं नहीं देखो ध्यान से पढ़ना वसा में मिले नहीं है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं सर चार होता है विटामिन के विटामिन ई विटामिन डी विटामिन ए तो भैया विटामिन के तो है for, फैट सॉल्युबल विटामिन ए भी है विटामिन डी भी है सर ये विटामिन सी नहीं होता विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होते हैं जल में गुलनशील होते हैं तो विटामिन सी आप लोगों का फैट सोलबल नहीं है यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समझ गए क्या अरे भैया ये कौन सा आप लोग लगा रहे हो ऑप्शन नंबर सी कौन बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी का मतलब हो गया विटामिन डी और भैया विटामिन डी विटामिन ई e, विटामिन के विटामिन ए ये चारों के चारों क्या है फैट सोल्यूबल है ठीक है आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं विटामिन बी वन को और किस नाम से जाना जाता है विटामिन बी वन को बताओ तो विटामिन बी वन का दूसरा नाम क्या है है क्या है है चलो इसका बताओ एस्कॉर्बिक एसिड किसका है विटामिन सी का है बायोटीन किसका है विटामिन बी सेवन का है और भैया नियासिन किसका है यह विटामिन बी थ्री का है याद रह जाएगा चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है तो जब भी आप लोगों को चोट लग जाती है तो वहां से क्या होती है ब्लीडिंग होती है रक्त निकलता है तो आप लोग चाहते हो ना रक्त नहीं निकले तो वहां पर क्या हो जाता है रक्त का थक्का जम जाता है ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है तो उसके लिए विटामिन के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर विटामिन के का कार्य बताए तो किससे रिलेटेड है ब्लड की क्लॉटिंग से रिलेटेड है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इम्यून सिस्टम के लिए कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट है विटामिन ए विटामिन सी दोनों ही आप लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं क्लियर है क्या कैल्शियम के एब्जो के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है विटामिन डी इंपॉर्टेंट है और आपकी त्वचा के लिए त्वचा के लिए स्किन के लिए भैया विटामिन ई भी इंपॉर्टेंट है विटामिन बी बी भी, भी, भी इंपॉर्टेंट है क्लियर है क्या चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे डैश में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है ऐसा कौन सा आप लोगों का सोर्स है ऐसा कौन सा स्रोत है जिससे सबसे ज्यादा आप लोगों को विटामिन डी मिलेगा बताओ तो आप लोगों को मैंने बताया था कॉड लीवर ऑयल ये क्या है ये एक मछली है सर ये एक फिश है इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता है इंडिया में इसको रोहू के नाम से जाना जाता है किसके नाम से रोहू तो एक्चुअली में इसका तेल आता है इसके लीवर से ऑयल बनता है ना तो उस वाले में विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगेन मैं बोल रहा हूं जब भी आप लोग टिक करें थोड़ा ध्यान रखना कहा मान लीजिए आप लोगों का ऑप्शन सही था विटामिन डी तो आप डी पे देखना पहले कौन से ऑप्शन में विटामिन डी है ना इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है तो क्या आप लोगों का विटामिन कंप्लीट हो गया क्या जल्दी से मुझे बताओ क्या जो क्वेश्चन मैंने करवाए वो बने एन टीपीसी दो हजार सोलह आर आरबी जी जी दो हजार उन्नीस आर आरबी जई दो हजार उन्नीस आर आरबी जई दो हजार उन्नीस एन टीपीसी दो हजार सोलह एनटीपीसी दो हजार सोलह आर आरबी जई दो हजार उन्नीस एन टीपीसी दो हजार सोलह क्लियर और दोस्तों ये बाकी सब में क्वेश्चन ऐसे आता है कुछ ऐसा नहीं आता विटामिन में कुछ ऐसा आएगा हम लोगों से बनेगा ही नहीं तो कंप्लीट मैंने आप लोगों को विटामिन करवाया है प्रॉपर स्लाइड के साथ में जिससे आप लोगों का टाइम बहुत कम लगे रिवीजन प्रॉपर हो कंटेंट आप लोगों का 100 परसेंट आपके पास में आ जाए प्रॉपर एनिमेशन जिससे आप लोग फील कर पाओ बात क्लियर है क्या तो सर अब नेक्स्ट प्लान बताओ नेक्स्ट क्या है दोस्तों कल संडे है कल रविवार है चुपचाप से छुट्टी मनाना और रिवाइज करना केवल आपके रिविजन के लिए छुट्टी दे रहा हूं मैं वरना मैं लगा सकता हूं क्लास ठीक है रविवार को आप लोग रिवाइज करना पहले तो मैं आपको बता दूं ये दोनों क्लास को मिस मत करना किसी भी कंडीशन में कल इनकी भी छुट्टी रहेगी लेकिन आज ध्यान रखना आज होगी वन पी टू पी डेली होती है संडे का मैं ऑफ रखूंगा संडे का रविवार का जिससे एक दिन आपको रिवीजन के लिए मिले सर यहां पर साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराता हूं दो बजे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों ही क्लासेज बिल्कुल फ्री है यहां पर आपको रैंक भी मिलती है क्लास में आओ देखो ज्वाइन कैसे करना है अन लर्निंग लड़ने डाउनलोड करना गोल सेलेक्ट करना है एस एस स्पेशल क्लास में आना मेरा नाम सर्च करना मुझे फॉलो करना इधर स्पेशल क्लास में क्लास मिल जाएगी जो भी क्लास है आप लोग खोलोगे ना कोड पूछा जाता है नीरज इलेवन लगा के अनलॉक कर देना ठीक है अब आ जाओ तो दोस्तों नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा मंडे को करवाऊंगा मैं साढ़े नौ बजे मंडे को साढ़े नौ बजे सोमवार को साढ़े नौ बजे सर क्या करवाओगे विटामिन के बारे में पढ़ लिया अब मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के बारे में पढ़ाऊंगा पूरा समझ गए बात को मंडे को सुबह साढ़े नौ बजे यूट्यूब पर और बाकी ये क्लास दोनों कहां पर चलती है अनएकेडमी पर चलती है बात क्लियर है पीडीएफ कहां पर मिलेगी पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है इस टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ मिल जाएगी साइंस बाय नीरज नीरजीर पे क्लियर है दोस्तों तो आज के लिए इतना रखते हैं बेहतर प्रिपरेशन के लिए दोस्तों अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़िए यहां पर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे मेरा जो साइंस का कोर्स है वो एसएससी एग्जाम वाली कैटेगरी में फाउंडेशन कोर्स सभी एग्जाम के लिए और यहां पर आपको जीके के भी फाउंडेशन कोर्स मिल जाएंगे मैथ्स के भी मिल जाएंगे जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे सभी के कोर्स मिल जाएंगे आपको हाँ आप तो आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे तो यहां पर आपके पास में प्राइज आएगी ये पे नहीं करना है कोड लगाना आपका प्यारा आपका दुलारा नीरज ग्यारह और जो डिस्काउंट है वो वाली प्राइज आप लोग पे करेंगे किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लो नीरज ग्यारह कोड हर जगह एप्लीकेबल है लगाओ डिस्काउंट पाओ समझ गए बात को इंफेक्शन से विटामिन ए आप लोगों को बचाएगा ठीक है तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है विटामिन और हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट बात क्लियर है तो आज मिलते हैं एक बजे दो बजे क्लास में बिल्कुल देखो प्रॉपर रिवाइज करते हुए चलो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसको साथ में आप लोग पढ़ते चलिए देखो एक घंटे की क्लास अगर आप लोग यहां पर देखोगे ना तो हार्डली आप लोगों को दस से पंद्रह मिनट लगेंगे रिवाइज करने में शाम को बैठकर क्योंकि तो आपके पास मैं सारी पीडीएफ में दे ही रहा हूं समझ रहा हूं तो अगर आप लोगों ने इन सत्तर दिन में पूरी कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन मेंटेन सब रखा आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है थैंक यू सो मच मिलते हैं बाकी की चर्चा होगी एक बजे और दो बजे वाले क्लास में टेक केयर